आज हम खेलने वाले हैं एक्सट्रीम लेवल पर हाइड एंड सीक गेम। हमारे पास में है ये पांच कंटेस्टेंट जो इस गेम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और ये लोग छुपने वाले हैं, और इनमें से जो सबसे आखिरी में पकड़ में आएगा उसे मिलेंगे 1000 रुपीस। 1000 रुपये तो मैं ही जीतूंगा क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ही जरूरत है। मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे पैसे चाहिए। 1000 रुपये जीत के मैं मेरे बाल कटाऊंगा। मैं 1000 रुपये जीता तो मैं तुझे 500 दूंगा। और मैं जीता मैं तेरे को दूंगा। डील पक्की। छुपने के लिए तुम्हारे पास है 15 मिनट, तुम कहीं पे भी छुप सकते हो। लेकिन हम छुपेंगे कहाँ? छुपने का एरिया कितना होगा? हाँ, ये लोग छुप सकते हैं किसी एक घर के अंदर, नहीं पूरे मोहल्ले के अंदर, नहीं बल्कि ये छुप सकते हैं पूरे गांव के अंदर, कहीं पे भी। पर कुछ नियम है। नियम नंबर 1, हमारे इस गांव से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है। नंबर 2, किसी भी प्राइवेट घर के अंदर आज तुम नहीं छुप सकते हो। अगर किसी के घर में तुम जाते हो तो तुम आउट माने जाते हो। ओके, कि तुम जिस जगह पे छुपते हो उस जगह को वापस तुम चेंज नहीं कर सकते हो। यस, चेंज किया तो आउट हो जाएगा। और एक नियम और है, जहाँ पे भी तुम लोग जाते हो छुपते हो तो उसका एक हमें सेल्फ वीडियो शूट करना है ताकि हम वीडियो में दिखा सकें। 15 मिनट है इन लोगों के पास, जाओ छुप जाओ। बाय बाय, कैमरामैन तू भी चला जा। तो गाइस, टाइम स्टार्ट हो चुका है, सब लोग भाग रहे हैं, और प्लान ये होने वाला है कि मैं और सुगन एक ही जगह पे थोड़ी थोड़ी दूरी बनाकर छुपेंगे। 10 मिनट बाकी है। तो गाइस, हम तीन ही एक साथ जा रहे हैं। हेलो गाइस, मैं यहाँ छुप गया हूँ गाड़ी के पीछे, अभी आ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं मेरे को। मैं यहाँ छुप गया हूँ गाड़ी के पीछे। गाइस, पुल के पास आ चुके हैं। अशोक तू अलग घुस जा। मेरा 200 है, तू अलग ब्रो जा। टूटिया अलग ब्रो जा। पुल के पास आ चुके हैं, अब जा रहे हैं छुपने के लिए। तो गाइस, मैं डाइंडरा वाले। हां अलग जा, बंद की टीन बुलाइन अलग जा। रहा वाले डाइंडरा मैं आ रहा हूं। रहा वाले डाइंडरा मैं तो ही रहा। अलग जा, मग लग बोल। अलग जा, रहा वाले डाइंडरा भाई यार, सो के देख लीजिए। ओ उठिन तो जावे, वो फिर जा उठिन जाए, मग आ नहीं फिर जा, मग ले दिन गगले में रोइए। गाइस, हम यहाँ पर आ गए हैं एक गली के अंदर। गाइस, अभी हम बैठे हमारे घर के पीछे एक बाड़े के अंदर। 15 मिनट का टाइम दिया है उन लोगों को, 2:50 पे वो गए थे छुपने के लिए। तो अभी टाइम क्या हो रहा है? 1:57, अभी 7 मिनट और बाकी है। 7 मिनट और बाकी है, उसके बाद हम उनको जाएंगे ढूंढने के लिए। हाँ, अरे रुक तो जा, शांत तेरा घुस ना आराम से, अरे घुस तो जा। हाल तेरा 8 मिनट और बाकी है। हाँ आराम से, 7 मिनट। तो उनका फ़ोन आ गया है कि हमें ढूंढने के लिए आ जाओ, पर हम तो टाइम पे ही जाएंगे। अभी हम सोच रहे हैं हमें गांव में कहाँ कहाँ पे जाना है, वैसे वो किसी के घर के अंदर तो छुप नहीं सकते, तो चलते हैं 6 मिनट के बाद में। छुपने की तैयारी करेंगे गाइस, उच्चतम व्यवस्था ढूंढेंगे, अच्छी वाली बॉडी, उनको पता ना चल जाए। चलते भाई। ओ यहाँ पे तो दीवार है बहुत बड़ी, कुछ नहीं ऑफ रोड करते हुए निकल जाएंगे। आ जा भाई, आ जा। गाइस, हम वहाँ से आए, यहाँ से ऊपर चढ़ के हम दोनों यहाँ पे आ चुके हैं। वो इससे ऊपर चढ़ के ऊपर जाएंगे, और मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि ये कोई प्राइवेट घर नहीं है, ये एक सरकारी जगह है, अस्पताल है, इसलिए इस जगह पे हम घुस रहे हैं। ठीक है गाइस, ऊपर जाके बात करता हूँ। वहाँ से बहुत दूर आ चुके हैं, यहाँ पर ऊपर बहुत ही अच्छी जगह पर छुप चुके हैं, और दो लोग, तीन लोग, जो तीन बंदे वो अलग साइड में। मैं इस पहाड़ में छुप गया और पवन सुगन वो रहे।
उस दीवार के पास। हजार इधर मैं जीत दूंगा, देख लेना। और प्रिंस कभी भी आ सकता है। गाइस यहाँ पर मैं छुप गया हूँ, यहाँ पर बैठा रहूँगा। मैं इस गली के अंदर आ चुका हूँ, अब ये इस गली में रहूँगा मैं। और इस प्रकार ये सारे प्लेयर्स अलग अलग लोकेशन पे छुप जाते हैं, और मुझे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये ऐसी जगह पे भी छुप सकते हैं। टाइम हो गया है और हम जा रहे हैं अब उनको ढूंढने के लिए। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं हमारे गांव के बाहर की जो सरकारी स्कूल है वहां पे, क्योंकि हमें लग रहा है वहां पे हो सकते हैं। तो चलो ढूंढेंगे। सबसे पहले हम गांव के बाहर इस स्कूल में ढूंढ लेते हैं। शायद यहां पे तो कोई भी नहीं आया होगा। इस तरफ तो नहीं जा सकते ये लोग। चलो अब छत के ऊपर जाके देखते हैं। और जब मैं छत के ऊपर चेक करने के लिए गया तो मुझे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि 200 मीटर की दूरी से एक प्लेयर मुझे देख रहा है। तो गाइस वो रहा प्रिंस। इस छत के ऊपर तो कोई भी नहीं है। डन, अब दूसरी लोकेशन पे चलते हैं। तो गाइस हम इस छत पे आ चुके हैं और एक बंदा मेरे को देख रहा है। भाई प्लीज वो लोगों को बताना मत, और तू यहाँ से चला जा, चला जा। अब वो चला तो गया लेकिन क्या पता बोल दे। और ये हमारे गांव का अस्पताल है और हम यहाँ से आए हैं, और बाकी लोग पता नहीं कहाँ कहाँ छुप रहे होंगे। ये जगह किसको भी मालूम नहीं है, ये सिर्फ मुझे और मुझे ही पता है। इस जगह को शायद कोई नहीं ढूंढ सकता। तो हेलो गाइस, मैं यहाँ गया हूँ, मैं अब छुप रहा हूँ। उधर से मनीष और प्रिंस आएंगे मेरे को ढूंढने के लिए। मैं यहाँ हूँ अकेला, छुप गया हूँ मैं अब यहाँ। चलो यहाँ बैठ जाते हैं अपन। चलो छुप गया हूँ मैं अकेला हूँ यहाँ, उधर से आएंगे दोनों। और ये सामने बैठा है, सामने बैठा है ये विनीत। तो गाइस मैं इस नीम के ऊपर छुप गया। प्रिंस कभी भी आता होगा, पैसे तो मैं ही जीतूंगा, नेक्स्ट में पकड़ा जाऊंगा। चलो अब हम जा रहे हैं इस स्कूल के पास में, ये बड़ी वाली स्कूल के अंदर। मैं नीमड़ी से उतर के छत पर आ गया, मैं यहाँ पर छुपा हूँ। इस वाली स्कूल में भी हमने ढूंढ लिया है पर यहाँ पर भी वो नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं गांव की तरफ। और जब हम स्कूल के बाहर थे वहाँ से भी एक प्लेयर हमें छुपके से देख रहा था, और हम उसे देख नहीं पाए क्योंकि वो किसी पानी की टंकी के पास में बैठा था। स्पेस आ चुका है, वो जा रहे। वो देखो प्लीज, वे दोनों जा रहे, उनको नहीं दिखा मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ। वो आ रहे, मुझे पता चल गया, इसलिए मैं छुप गया। ये देखो उनको पता भी नहीं चला मैं यहाँ पर छुपा हुआ। पैसे तो मैं जीतूंगा। और इसी कॉन्फिडेंस में आकर वो प्लेयर वहाँ से नीचे उतर गया और हमारा पीछा करने लग गया। तो गाइस मैं इधर आ गया। अभी तो गांव का 10% भी हमने नहीं घुमा है। गाइस वहाँ पे कोई है, अभी मुझे थोड़ा शक हुआ कि यहाँ पे कोई है पक्का। और ये किसी का प्राइवेट घर है, इसके अंदर नहीं जा सकते हैं, फिर भी वो बंदा चला गया है अंदर। मनीष इसके अंदर जाना, मैं इधर से देखता हूँ। बंदा ऊपर देखो, आप पकड़ में आ चुके हैं। फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, सबसे पहले आ जाओ। पहला बंदा हमें मिल गया है, वो भी किसी के प्राइवेट घर के अंदर। तो हमने बिल्कुल सही अनुमान लगाया, स्कूल के इधर कोई तो कोई होगा। तू कहाँ पे था? मैं बड़ी स्कूल के नेमडी बैठे था। तो चलो आ जाओ। और किसी के बारे में कोई पता नहीं? नहीं नहीं, पता हो भी तो हमको मत बता। नहीं, वीडियो शूट किया अच्छे से। गाइस वो देखो,
उसकी छत मेरी लोकेशन से कुछ ही दूरी पे है। गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, प्रिंस ने बोला था कि एक जगह को छोड़ नहीं सकते, लेकिन हमने उस जगह को छोड़ी क्योंकि वहाँ पे वो क्या बोलते हैं मधुमक्खियाँ थी। यहीं पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, बाय बाय। और मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ फोन उसके अंदर। तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ये इस वीडियो में बहुत ही मेहनत लगी है। और अभी हम यहाँ पर चीज कहाँ पर छुपे हुए हैं, और ये सरकारी जगह है, तो आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मैं अकेला ही हूँ और कोई नहीं मेरे साथ, और यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है। जीतूँगा तो मैं, मुझे ऐसा लग रहा है इस गेम में विनर तो मैं ही रहूँगा। अब मैं छुपने जा रहा हूँ, वहाँ से तो निकल गया मैं, अब चल तो आगे चलते हैं, चलो आगे छुपते हैं। वहाँ से निकल गया और आगे छुपते हैं, चलो गाइस मिलूँगा तुम नहीं मैं, अब विनर तुम ही हूँ। अब ये चार प्लेयर्स बच्चे हैं जो गांव के अलग अलग कोने में बैठे हैं इसी आस में कि मैं ही विनर बनूंगा। अब हम जा रहे हैं इस सरकारी कार्यालय के अंदर, तो भाई कैमरा तू पकड़ना, ये पकड़ में आ गया है तो ये थोड़ी हमारी हेल्प करेगा। तो छुप जाना दोस्तों, प्रिंस और मनीष भाई प्लीज कोई भी उनको सूचना प्रदान ना करे आप। हेलो, इसने उनको फोन लगा के बता दिया कि हम Hello? अभी कहाँ पे हैं, तो अभी इसको झूठ बुलवाते हैं। हेलो, हमने प्रिंस ने हम झूठ बुला दिया, मैं छठ या आर के जो मैंने तड़ा हमवा ठीक। तो दोस्तों हम इस वाली छत पे भी आ चुके हैं, इस वाली छत पे भी कोई भी नहीं है, उसके छत पे भी कोई नहीं है, और मेरी इस वाली छत के ऊपर अंदर हमारा बंदा ढूंढ रहा है। और अब हम इधर चलते हैं, इस तरफ ये गांव का आखिरी छोर है, गांव की आखिरी दुकान ये रही, इसके आगे ये रास्ता जाता है गांव से बाहर आसिंद की ओर। तो इनका दोस्त हमारे पास में आ रहा है, क्रिस और पवन का दोस्त। हेलो, कहाँ पे जा रहे हो? ट्यूशन कोचिंग। कोचिंग, तो आज पवन नहीं आएगा तो चलेगा? अभी हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं। पर उदय सर को उदय सर का टेस्ट है ना आज? टेस्ट है। अच्छा, किसी को देखा तुमने? किसी को नहीं देखा। नहीं, चलो इससे बात हो गई, इसने भी किसी को नहीं देखा और हम इसे पूछना भी नहीं चाहते, फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। आज वो टेस्ट है ना कोचिंग में? टेस्ट है ना, तो मैं फिर उसको भेजता हूँ। अभी टाइम क्या हुआ? आधा घंटा बाकी है ना? तीन बजे जाना है। ये पढ़ने जा रहे हैं। ओके थैंक्स। एक बार हम साहू मोहल्ले की ओर जा रहे हैं, बहुत सारे साहू रहते हैं यहाँ पे। ये एक घर ये रहा, बाकी सब यहाँ पे सेन नई लोग रहते। अब यहाँ पे भी हम ढूंढ लेते हैं। इस अस्पताल में हम आ गए, यहाँ पे हमने बहुत सारे वीडियो शूट किए हैं, आप ये लोकेशन अच्छे से जानते हो अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हो। नहीं है, अगर होंगे तो छत पे होंगे, तो एक बार हम छत पे भी। वो आपको नहीं ले देंगे? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ना। क्या? ओ दोनों नहीं ले देंगे, चारों वो आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे? नहीं नहीं बोला, देंगे अच्छा था। क्या बात है सर, क्या बात है। इसके हाव भाव से लग रहा है भैया कोई तो है। मनीष ऊपर है या नहीं है? हाँ एक मिनट पकड़े, मनीष चढ़ रहा है पेड़ के ऊपर और हम देखते हैं इसके पीछे अगर कोई भग जाए तो। कोई भी हो सकते हैं भाई, तू प्लीज तू मत बोल यार, तू उनको सूचना देने की कोशिश मत कर। हमें ये विश्वास था कि इस छत पे कोई एक प्लेयर तो जरूर है, बट इस छत पे दो प्लेयर थे, सुगन और पवन। तो कैसे आ चुके हैं और इधर अंदर आ रहे हैं ऊपर। और मनीष है इसके छत के ऊपर। तो दोस्तों इस बंदर को हमने यहाँ से ढूंढ लिया है।
तो गाइस हमको ढूंढ लिया है, गाइस मनीष ढूंढ लिया है हमको। और ये यहाँ पर छिप रहा था, इसको हमको ढूंढ लिया है। और सबसे मजे की बात तो ये थी कि इसी टंकी के अंदर पवन भी बैठा था। तो दोस्तों देखो, हमने इसे इतनी कठिनाई से पार किया है। अभी हम चल रहे हैं नीचे, और कोई नहीं है। आ जाओ तो भैया, ये मिल गए हैं। अरे यार क्या जगह ढूंढी है यार तूने। और मैं यहाँ पर सपा खाने के ऊपर छुप रहा था। सपा खाना मतलब हॉस्पिटल के ऊपर, इसके ऊपर जहाँ पे हम स्कूल लाइफ की वीडियो शूट करते हैं ना, जो ये स्कूल लाइफ का मेन बंदा के पास छुप रहा था, तो इन्होंने मनीष ने पकड़ लिया। तो दोस्तों देखिए एक बार मेरे हाथों की हालत देख लीजिए। भाई हुआ है कि वो वहाँ से उस छत से एक बंदा आया और सुगंध मेरे इस दीवार के पीछे था, तो उसको देख लिया, पकड़ लिया और सब इस छत से चले गए। लेकिन मेरे को नहीं देखा, एक आदमी यहाँ के हाथ रख के गया लेकिन मेरे को नहीं देखा, और वो उस साइड है, तो मैं वापस छिप जाता हूँ। गाइस अभी हमने पवन से बात की तो उसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो इस गांव के अंदर नहीं है। जहाँ हम पहले स्कूल की तरफ ढूंढ रहे थे वो भी वहीं पे है, क्योंकि उसने ऐसा वर्ड बोला। हमने बोला हम तालाब में है, तो उसने बोला तुम इतनी सी देर में वहाँ पे कैसे जा सकते हो। तो इससे ये पता चलता है सुगन कि तुम्हारा भाई पवन स्कूल वाले रास्ते पे ही है। तो अब अगला हमारा प्लान है कि हमको पवन को पकड़ना है, क्योंकि पवन का भी फ़ोन आया तो सबूतों से यही पता चल रहा है वो इसी तरफ है। हम सीआईडी से देखते भी है और दिमाग भी लगाते हैं। हाँ, एसीपी प्रद्युमन हमारे साथ में है, मनीष जी। नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। खेतों में देख ले, किसी लड़के को देखा? थोड़ा सा गोरा नया हुआ नहीं है देखा? अरे कैमरा बंद गड्ढा करा रहा है, यहाँ पे नहीं है। चलो गाइस, ये बच्चा अरे ईट गड्ढा पा कर ये मनीष, हम अभी स्कूल के पीछे। ओए हेलो, किसको फोन लगा रहे हो तुम? हम तो वो हमारे की भैया, किसी को फोन मत लगाना प्लीज। ये किसी को फोन लगा रहे हैं? हाँ भाई, ठंडा गड्ढा है, ये गली जाना ही है या गली किसी है? इधर भाई यार, पता नहीं दो यार की भांडे शंकरिया मैंने अड्डा ऊपर नहीं छुपे डर। अरे फोन क्यों था फोन दे दे। अरे अशोक के कहने मतलब प्रिंस भी कहने। अरे पागल है, अशोक उड़ी ने भाग्य हो जो प्रिंस नहीं तड़ा में गया बे। अरे अरे मां का है ये तो आप में जानी। वाह, एक इंफॉर्मेशन और मिली है कि पवन किसी खड्डे के अंदर बैठा है। गाइस वो और भी फोन कॉल कर रहे हैं, सुनते हैं। हेलो, हाँ कड़े रहे यार वो विंग बंद है ना, उड़ो थूक दे धूम दे थूक दे। अरे मैं एक ओपन है, क्यों ओपन यो आपने बड़ी स्कूल का ये कौन है बाथरूम जी को अपने प्रिंस आनी तड़ाव जाने गया कोई कोई है प्रिंस और मनीष और एक कौन है बड़े सुमित कौन है अपने नायक को जो वे तीन ने उड़ीन गया जो थूक दे मैं आ रहा मैं की कह रहा हूं। हां नाम की उसे क्यों थके मैं लाद गयो वे चाने चुपचाप ऊपर थड़ी जाती है सपा में नगड़े बड़ी से ठीक तू कड़े मैं तो न बता सकूं। वाह ठीक, सपा का नाम खड्डा में है। हां ठीक। वो लोग आपस में इन दोनों को फोन लगा के पूछ रहे हैं कि अभी हम मैं और मनीष कहां पे है। तो इनको तो हमने पट्टी पढ़ा रखी है कि झूठ ही बोलना है। अरे सारा स्कूल साइड में हां सच में इसको फोन आ रहा है और फोन आ रहा है।
हाँ क्रिश, ये स्कूल का कौन है? गाया दाना गोदाम ने। अरे ये मैदान कौन है? मैदान को सा जी का उन्होंने गली दानू ओन आ रहा गड़ी ने गली दानू गड़ी नो को मो नाम के पाचो ने जा रहे बड़ी स्कूल। हां पाचो ओन उन्होंने गड़े जा रहे तितर ना बड़ी स्कूल बाने आबड़ी। अरे मैं उड़ीन नीचे पाला पाड़ो नीचे उतर उन आगे आ रही हूं। आगे बढ़ाओ। हां ठीक आ जा भैया। हम भी बड़ी स्कूल के पीछे है और वो आगे है स्कूल के आगे, तो अब हम उनको रंगे हाथ पकड़ेंगे। अब देखना हम उनको कैसे पकड़ते हैं। पहले तू ये जाएगा, हम दोनों चलो। हाँ जाओ जाओ जाओ। गाइस वो लोग आ रहे हैं, वो देखो आराम से आ रहा है बिंदास स्कूटी के पास में। देखो चले हम चलते हैं रंगे हाथ पकड़ने के लिए। 1 2 3 गो। तो दोस्तों इसको अभी भी पता नहीं चला है क्या? तो भैया कांग्रेचुलेशंस उसको जो भी पता चलेगी। इधर इधर तीसरा बंदा आप वो बकरा बन चुके हो प्लीज। मैंने नहीं कहा, दोस्त ही दोस्त को धोखा देता है और ये पकड़ में आ गया है। हेलो मैंने विनीत से ही किया है, मैं जहाँ पकड़ना आया है वो उनको बना लो। हाँ पवन हेलो। हाँ अरे फोन उठाने। अरे कोई नाम ही को यो से क्या जो रे सुन हाँ बोल प्रिंचो गड़े एक ही का तड़ा दानी क्यों। हेलो विनीत गड़े। हाँ यो क्रिश्चियन ने आप बात करी है विनीत जी, मुझे मैंने एड्रेस बैठा है स्कूल का। स्कूटी का बान है सर की स्कूटी कौन बान है? खंडी स्कूल में बड़ी स्कूल का मैं जा रही हूँ। हाँ खड़े जुलाई महीने। वाह वाह। यहाँ से अभी तो कोई बंदा नहीं आया है इस तरफ, मुझे लग रहा है वो बहुत सिक्योर हो गए हैं दोनों। मनीष मुझे लग रहा है उन लोगों को पता चल गया है कि हमारा प्लान क्या है। अब ये दोनों बचे हुए हैं और इनमें से कोई एक बनने वाला है विनर। टाइम पास नहीं हो रहा तो एक काम करता हूँ कि एक एक करके सबको कॉल लगाता हूँ। ठीक है कॉल लगाता हूँ। गाइस कोई कॉल ही नहीं उठा रहा है वो यहाँ पे बैठ के मेरी पेंट। अरे गाइस अच्छे से बैठा भी नहीं जा रहा है और मेरी पेंट बहुत ही गंदी हो चुकी है। और मैंने एक को फोन लगाया तो वो गाली निकालने लग गया तो नो, 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 बस इतना ही। और यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है, जीतूंगा तो मैं। मुझे ऐसा लग रहा है फिर से हम आ गए हैं स्कूल के पीछे और वो तीनों बंदे जो पकड़ में आ गए थे वो बैठे वहाँ पे। उनसे कुछ बात करते हैं, क्या बता कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आ जा मनीष आ जा। गेट का बहाने है तड़ में तो वंशक हो जाए मार दाना है बच्चे मैं क्योंकि विनीत का फोन लगा हां विनीत के फोन लगा विनीत के फोन लगा कटे उठे कौन है उठी ना आ रहा है नाम की देरी के बहाने आ गया फटाफट ढूंढ आ गया कौन है की तू किटे गिरी तू गड़े हैं थारी या अरे पो कौन है की पो चिमू आ गया फटाफट तू स्कूल दिन आ जा बड़ाम कूद के बड़ाम कूद गयो फटाफट आ जा कूद रे बड़ाम कैसे बड़ाम अरे बड़ा तो खड़ा है रे हैं आप खड़ा हां उठी ना मनीष जा रहे हो मां का मैं वो ना उसी की मैं फोन कर दूं मैं तो मां मैंने सुगा ने मां बड़ी स्कूल बैठा सुगा बात करा हले बात कर पता बैठा हां विनीत तू कटा वालो अरे मैं अड्डा हूं मनीष दा दान आ रहे तू मां के स्कूल ला ना आओ जल्दी तू किस जगह आया मैं या मैदान है ना खुलो हां वो डिग्री मैं दोई बेटा अड्डे पहुंच ला रहे हैं वे जो उड़ी ना आयो सुगा फोन आयो उड़ी ना आ रहा हां सुगा नंबर बात भेज तो सुगा नंबर भेजो हां भेज ठीक। गाइस अब आएगा इस अशोक के फोन। मैं फोन कर रहा हूँ अब तुझे क्या बोलना है तुझे पता है। हेलो
बोल। अशोक बोल रहे हो? हाँ कहीं कर रहे हो? मैं बात डेरी डेरी किता? हाँ कोई कोई है? मैं नहीं से प्रिंस, मैं बात डेरी की बड़े गली है जिम जाए जा। अरे मैं उठी खड़ा है, मैं बड़ा मुंह वो निकली मत दीवा। बाबा हम बड़ा का अंदर ही सुकून वाले मैं उठी नहीं, चेक करता यार। तो भैया एक बात तो पक्की हो गई, जो विनीत है ना वो डेयरी के उधर है, हमारे को अब डेयरी के पास जाना पड़ेगा। चल आजा। हाँ फोन करें थे, अब हम विनीत को पकड़ेंगे। लास्ट आजा आजा, अब उसे पकड़ने जा रहे हैं, उसे ही पकड़ना है, लास्ट वो बाकी है, फिर बाद में जो बचेगा वो जीत जाएगा। आई होप उसके रंगे हाथ पकड़ ले हम। और जब हम विनीत को पकड़ने जा रहे थे तब हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि पास ही की स्कूल के अंदर पवन है। गाइस प्लान में थोड़ा चेंज है क्योंकि पवन है ना इस स्कूल के अंदर ही है, तो हम पहले उसको पकड़ लेते हैं। गाइस अब हम आ गए स्कूल के पीछे, स्कूल के पीछे से हम और वो स्कूल के आगे है, बहुत चालाक है ना। गाइस अभी उन सभी लोगों की वहाँ पे आवाज़ आई, वो लोग वहाँ पे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे वहीं पे ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ, मैं ऐसी जगह पे छुपा हूँ कि वो मेरे को घंटा ही नहीं ढूंढ सकते। वो एक बंदा यहाँ से होके उस तरफ चला गया लेकिन मेरे को नहीं ढूंढ पाया। और सुगन बैठा था यहाँ पे, सुगन यहाँ पे बैठा था इसलिए वो पकड़ा गया। मैं इस अंदर पे बैठा हूँ इसलिए नहीं पकड़ा गया। पवन यहाँ से चला गया है, चलो पहले विनीत को ही पकड़ लेते हैं। ये हम वापिस साऊ मोहल्ले के अंदर। Let's go! Enemy down! अब लग रही है मेरे को बहुत ही तेज भूख, तो हमारी टीम का एक बंदा है वहाँ पे, तो मैं उसके माध्यम से नमकीन वगैरह मंगाता हूँ। चल हेलो। अरे तू कैसे जिला पर? अरे मुझे स्कूल का बाल है। ठीक है पवन, यार उसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हमें पता तो है वो कहाँ पे, स्कूल के अंदर ही है, स्कूल के आसपास, शायद इसके ऊपर भी हो सकता है। नमकीन वेपर्स को तो फेंको बाढ़ में, वो प्रिंस लोग आ चुके हैं। सही में मिल चुका है ये यहाँ पर छिपा हुआ था, टंकी में बैठा हुआ था। गाइस फाइनली पकड़ लिया है इनको, कैसे ही पता चल गया, वो एक प्रिंस जैन है, फोन लगा लगा के परेशान किया और उसको उधर भेजा, फिर भी मेरे को पकड़ लिया है। और ये मुन्नी बदनाम, मेरे को दे मारी आवाज आ रही थी इसलिए मैं यहाँ पे चिपके घुस गया, लेकिन फिर भी मेरे को पकड़ लिया और ये मेरे फोन करके बार बार परेशान कर रहा है। तू मर ही दो मने, बहुत ही बक्का मेरे को फंसाया गया है सुगन ने, चीटिंग करके मेरे को। ये सुगन बापू ने धोखा दे दिया है, सुगन से आज से बोलते बंद, धोखा दे दिया है, भूखे को मार दिया तूने, धोखा दे दिया है। अब ऑफ रोडिंग में चलो और मैं यहाँ से नीचे कूद के अपनी जान दे रहा हूँ। मेरे को धोखा दिया है, मेरे को धोखा दिया है। ओए वो तो हमने तुझे रंगे हाथ इस खड्डे के अंदर पकड़ा है, अब नीचे आ जा। मैंने कई मार गलती वो कर ये झबरा की गलती वो ने झूठा लगा तो क्यों आते जे मारे से मजा लगन ब्रो के पर महीने ने टंकी का मेल देखा, टंकी का हाथ लगान सुनायो। ओ सुगन बैठो जरी भी तू हो, पर मैं टंकी का मेल ना देखियो। बजरंग बली सुगन में मम्मी और मैं इमे रिकॉर्ड की तो कि तू मारा हाथ लगा, ये टंकी का क्या हाथ लगाने के ऊपर मेल ना देखियो। मैं सही में टंकी मेल ना देखियो भैया। एक बहुत बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ी मिस्टीरियस चीज हुई है हमारे साथ में। जब ये सुगन पकड़ में आया ना यहाँ पे इसी के छत पे, तब ये पवन भी इस टंकी के अंदर ही बैठा था, तब मनीष को बिल्कुल भी भनक नहीं पड़ी कि इसके अंदर भी कोई हो सकता है। चलो फुटेज, इसने ये फुटेज रिकॉर्ड भी किया, चलो दिखाओ यहाँ से। देखो ये देखो, ये देखो गाइस, ये देखो, ये कोट देख लो, ये कोट, ये स्वेटर के मेरे को इसी ने पकड़वाया है, तो इसको सजा दी जाएगी कोर्ट में, 1.5 साल की फांसी। पीछे क्यों नहीं आया? अरे हम तो नहीं आ रहे थे, हम तो बस स्कूल के आसपास में ही थे। गाइस
हेलो, मेरे को इसने दो गली में सबको ढूंढ डाला, इसलिए मेरे लेकिन 1000 रुपए उसको दे देते, 50 मीटर लेकिन हम 500 कर लेते। तो फाइनली गाइस ये चैलेंज होता है यहाँ पे खत्म, और ये सभी लोग बारी बारी पकड़ में आ गए है। सबसे पहले अशोक आया पकड़ में, कहाँ पे आया बता दे। मैं बड़ी स्कूल के पेड़ पर, बड़ी स्कूल के अंदर जो पेड़ है वहाँ पे ये छुप रहा था। उसके बाद में सुगन कहाँ पे पकड़ में आया, जो अभी हम स्कूल लाइफ के वीडियोस बनाते हैं ना वहीं पे। उसके बाद में क्रिस, इसको कैसे पकड़ा है आप लोगों को तो बिल्कुल पता होगा कि बहुत अच्छी तरीके से ये पकड़ में आया है। और उसके बाद में मेरे को धोखे से पकड़ाया गया है, कुछ भी कहो पर दिमाग लगा के इसको पकड़ लिया है। और लास्ट में विनर बनता है हमारा ये विनीत, तो इसको मिलते हैं 1000 रुपीज, ये रहे इंडियन करेंसी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।